अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक का करम है। और आज हाज़िर हुई हूँ जी आप सबके सामने एक बार फिर एक नई स्टोरी के साथ। और यकीन करें कि आप भी सुनेंगे और आप लोग भी परेशान हो जाएंगे कि इतनी सख्त ज़िंदगी ये किस तरह से गुजार रहे हैं और इतनी शदीद धूप में। और हम लोग अपने घर पंखों के नीचे बैठते हैं, ठंडी हवाओं के नीचे बैठते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं ये इस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि सिर्फ़ एक कपड़े की एक छत होती है इनके सर पर, और उसमें धूप में, शदीद धूप में ही अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। तो आएँ बाजी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। जी बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी बाजी, किस तरह से, मतलब आप लोग किस तरह से गुजारा करते हैं, कितने बच्चे हैं बाजी आपके? माशाल्लाह मेरे 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 बेटियां 4 बेटे हैं। अच्छा। झूठ नहीं मारना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए झूठ, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाजी बड़ी मुश्किल सहन कर रहे हैं, कोई मसला नहीं गा, कोई जिधर जाने उंजी वापस आ जाने। भाई की कर देने, भाई बेचारा कारोबार करन जांदा तेरा। अच्छा। और जिस तरह जाता दिहाड़ी लैन जाता दिहाड़ी भी नहीं मिलती, तो उस तरह घर आ जाते हैं, किसी टाइम रोटी पकती किसी टाइम नहीं बिकती। और 300-400 आंदा ओदे नाल पा के 150 दा देन दे ने, ओदे नाल रोटी भी नहीं पूरी होंदी। पाइया घी ला के किस तरह से आप इतना गुजारा करती, माशाल्लाह 8 बच्चे, 2 लोग आपको, 10 मियां, दो दफा पकदी हांडे, दो दफा। हां ते पाइया हांडी च पैंदा क्यों, ओ भी इन्ना भी नहीं बनदा है। सही, बड़ी मजबूरी ना, पानी है ना, मतलब कि उसके बगैर घी के बगैर ही खाना बना के खा लेते, किसी टाइम चीनी नाल भी रोटी खा लेने, किसी टाइम चीनी से भी खा लेते हैं। निके निके बच्चे ने किधर जाइए, नमक पा के भी रोटी खा लेने। जी बिल्कुल, ये देखें फ्रेंड्स, यकीन करें कि मुझे इतना दुख हो रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। हम चाहे सबको भी चाहिए कि हम सब भी, अगर इस वक्त मुल्क के हालात खराब जा रहे हैं, अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही या किसी को कोई नहीं इस तरह का सिस्टम बन रहा कि वो अपने बच्चों को कमा के खिला सके, तो हम लोगों को भी चाहिए इंसानियत के तौर पे कि हम लोग इनकी मदद करें। और मैं आज आपको वीडियो ये दिखाने का मकसद ये था कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा घर ठीक चल रहा है, हम एसी में बैठे हैं, हम पंखे में बैठे हैं, हम ठीक से खा रहे हैं, तो पूरी दुनिया के हालात जी ठीक है। नहीं, पूरी दुनिया के हालात नहीं ठीक। यहाँ पे बहुत से लोग इस तरह के हैं जो एक टाइम खाते हैं और एक टाइम नहीं खाते, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहते। ऐसे भी सफ़ेदपोश लोग हैं अभी दुनिया में जो कुछ नहीं किसी से कहते कि भाई हमने नहीं खाया, हमें दो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। देख रही हूँ यहाँ पे बच्चों को, यहाँ पे हम बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं हमारे घर जो भी हालात हैं, रोटी भी बहुत मुश्किल से, जा कोई बीमार पड़ जाता है तो वो भी बहुत मुश्किल हम पे रहती है। तो प्लीज़, आपके कितने बच्चे हैं बच्ची? मेरे 3 बेटी हैं। 3 बेटियाँ आप? हाँ जी। और शोहर आपके क्या करते हैं? शोहर बस जाते हैं दिहाड़ी में, आंखों से उसे ज़्यादा दिखता नहीं है। अच्छा, आंखों से उन्हें नज़र नहीं आता? नज़र नहीं। बाजी कह रही हैं जी आंखों से उनको ज़्यादा नज़र नहीं आता, तो फिर भी जाते हैं, तो इतना कुछ घर के लिए कुछ कर नहीं सकते। ठीक हो गया। और दूसरी बात यह कि पानी का, मतलब यहाँ पे क्या सीन है पानी का? ये है कि हमें धूप में दूर जाकर पानी भरकर लाना पड़ता है, तो वो भी गर्म होता है, 30 की या 20 की बर्फ लाते हैं, वो डालते हैं, तो वो भी पानी वैसे का वैसा ही होता है। फ्रिज वगैरह भी नहीं है आप लोग? कुछ भी ऐसा नहीं है। और बिजली का क्या है यहाँ पे? बिजली का ये है कि किसी से ली थी, उनके भी उसने भी तार दी है। उसने भी तार दी? हाँ। क्यों उतार दी उसने? बस यही के बिल की वजह से उतार दी है जी। तो फ्रेंड्स, जिस तरह आप देख रहे हैं बाजी की बातें, आप लोगों ने सुनी कि बिजली भी यहाँ पे नहीं है और पानी भी नहीं है, और फ्रिज तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिजली नहीं है तो फ्रिज कैसी होगी। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं ये लोग। और यकीन करें कि मैंने भी यहाँ पे आई हूँ और इस वक्त इतनी शदीद गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे अभी आपको कैमरामैन दिखाते हैं, यहाँ पे कई एक भी पंखा नहीं लगा हुआ यहाँ पे, और आप लोग खुद सोचें कि ये किस तरह से गुजारा कर रहे होंगे। जितनी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप लाखों में करें, हजारों में करें, आप एक एक रुपया भी अगर इनकी
मदद करेंगे ना, तो जब इतने सारे लोग एक एक रुपया भी करेंगे तो इंशाल्लाह इनकी अच्छी मदद हो जाएगी। तो अल्लाह को राज़ी करें, दुनिया को तो हम लोग राज़ी करते ही रहते हैं। तो आप लोगों का सबका देखने वाला का बहुत बहुत शुक्रिया, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें।